अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर तैयारी पूरी की जा रही। एक तरफ भव्य राम मंदिर के निर्माण को अंतिम रूप दिया जा रहा, तो वहीं दूसरी तरफ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने वाले साधु संतों और आमंत्रित सदस्यों के लिए रहने की व्यवस्थाएं की जा रही। अयोध्या के तमाम इलाकों में टेंट सिटी बस रही है, तो कहीं टीन सिटी को तैयार किया जा रहा है। आम जनता के लिए मंदिर 23 जनवरी से खुलेगा, लेकिन अयोध्या के होटलों में महीनों की एडवांस बुकिंग चल रही है। छोटा हो या बड़ा, हर होटल के कमरे के दाम कई गुना बढ़ चुके हैं। अब हमारे संवाददाता ने क्या कुछ बताया, जरा ध्यान से सुनिए। 22 जनवरी की तारीख के लिए अयोध्या में तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। कहीं पर साधु संतों के लिए टेंट सिटी बसाई जा रही है, तो कहीं पर श्रद्धालुओं के लिए भी व्यवस्थाएं हो रही हैं। हम इस समय पर अयोध्या के ब्रह्मकुंड गुरुद्वारे के पास में टेंट सिटी बसाई गई है। ये जो VVIP लोग आएंगे, तमाम जो साधु संत, जो शंकराचार्य, तमाम पीठों के प्रमुख, तमाम धर्मों के प्रमुख, तमाम संप्रदाय के प्रमुख यहाँ पर आएंगे, तमाम माननीय आएंगे, उनके लिए एक टेंट सिटी बसाई गई है। ये अब हम आपको अंदर लिए चलते हैं, ये टेंट सिटी है। आप जब इसके अंदर आएंगे, ये इसको बाकायदा नंबर दिया गया है, टेंट 124। आप जब अंदर आएंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी हिल स्टेशन में जा रहे हैं। बाकायदा क्लासिक, जिसको कहते हैं, लुक दिया गया है, लालटेन लगाई गई है। हालांकि उसमें कहा जाए कि लाइट आधुनिक ही है, ये लाइट लगाई गई है। अब अंदर चलते हैं। अंदर जो गेट है वो चेन से खुलेगा, बाकायदा आप जब अंदर जाते हैं तो ये चेन से आप बंद कर सकते हैं ये, और आपको जब अंदर जाना है तो ये खुल गया। अंदर आते हैं, ये अंदर आकर के ये इस तरीके से पूरी साजो सज्जा, आपको भरोसा नहीं होगा ये सजावट, ये खूबसूरती देखकर कि ये टेंट सिटी है, किसी आलीशान होटल 5-7 स्टार होटल से कम नहीं है। सारी सुविधाएं हैं, बैठने के लिए डबल बेड है, बैठने के लिए कुर्सियां हैं और लैंप्स हैं, तमाम जो डेकोरेशंस हैं LED लगाई हुई है, आधुनिक सुविधाओं से लैस ये टेंट सिटी बसाई जा रही है। और इस तरीके से एक जगह पर 30 टेंट सिटी हैं और दूसरी जगह पर करीब 40 टेंट सिटी हैं। AC लगा हुआ है ताकि जो लोग आए उनको किसी भी तरीके की असुविधा ना हो। ये व्यवस्थाएं सारी हो रही हैं। एक जगह पर 30 टेंट सिटी बसाई गई हैं, यानी 30 ऐसे ही टेंट्स लगाए गए हैं, और दूसरी जगह पर करीब 40 ऐसे ही टेंट बसाए गए हैं। तो तमाम पूरी अयोध्या में इसी तरीके की व्यवस्थाएं हैं। ये घर पर आपको ये वॉशरूम मिलेगा, ये बाकायदा हम अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये अंदर ये वॉशरूम है, बिल्कुल आपको 5-स्टार होटल की तरह ही सारी सुविधाएं, जैसा कि मैंने बताया कि 5-स्टार होटल का पूरा लुक दिया गया है अयोध्या में बसी इस टेंट सिटी में। और टेंट का अयोध्या से पुराना नाता रहा है। भगवान राम टेंट सिटी में जब रहे तो ये एक कहा जाए कि सालों तक टेंट में ही रहे, और अब जब भगवान राम का मंदिर बन रहा है, हम टेंट सिटी से बाहर भी देखिए, आपको ये हम बाहर लेकर के आ गए, और ये टेंट का ही पूरा प्रेमाइसेस है। भगवान राम सालों तक टेंट में रहे और अब उन्हीं के शहर में, उनके भव्य मंदिर के निर्माण में एक टेंट सिटी बसाई जा रही है। और इसी टेंट सिटी में वो राम भक्त रुकेंगे, जो सालों से इंतजार कर रहे थे अपने भगवान के भव्य मंदिर का, जो सालों से इंतजार कर रहे थे अपने भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का, उनके दर्शन का। अयोध्या से संतोष कुमार की रिपोर्ट, भारत तक।